बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी व्यूर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। व्यूर्स, आज मैं बात करूंगा सादिया पेट्रोल पंप वाली जो एक बच्ची है लाहौर की, जो पेट्रोल पंप के ऊपर जॉब करती थी, टोटल पंप के ऊपर जॉब करती थी और उसने चंद माह ये जॉब की है। तो उसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी, हमारा चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी आइंदा आने वाली वीडियोस मिलती रहें। व्यूअर्स, ये सादिया बच्ची है, इसके दो भाई हैं, शादीशुदा हैं वो, क्योंकि आजकल आपको पता है महंगाई का दौर है, भाइयों के बच्चे होंगे, गुजारा नहीं होता होगा, वो अपना सेपरेट रहायश पजीर हैं। वालद इनके फौत हो चुके हैं, एक वालदा है, वालदा बीमार हैं, और एक इनके साथ इनका कज़न है जो कि वो भी यतीम है, वो भी उसकी वालदा फौत हो चुकी है, वो 4 साल बच्चा है कज़न इनका, वो इसके साथ, इसकी माँ के साथ इनकी रहाइश पजीर है। व्यूअर्स, ये बच्ची ने अपनी 2-3 बातें बताई हैं जो कि इतनी दर्दनाक हैं, ये मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखूंगा। नंबर वन, मैं पहले आपको बता देता हूं कि एक तो ये पेट्रोल पंप के ऊपर जॉब करती थी, इसने एडवांस मांगा तो उन्होंने कहा जी हम 2 माह से कबल एडवांस नहीं देते जी, हमारा रूल है, ठीक है। एक ये इनकी बात मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी चीज़, इनके साथ रफ़ी ब्रांड्स वाले एक ग्रुप है, एक ब्रांड है, वहाँ ये जॉब के लिए जाती हैं, इनके साथ कुछ नाज़ेबा बातें हुई, क्योंकि अभी उनका मौक़िफ़ नहीं है हमारे सामने, तो हम बहरहाल इनका ही मौक़िफ़ समझेंगे, इनका इल्ज़ाम समझेंगे, जब वो अपनी इस बात की तरदीद या तायद करेंगे तो फिर। दूसरी चीज़, इसके अलावा इन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी गई नौकरी के लिए तो मुझे यही कहा गया कि जहाँ आप काम नहीं कर सकती, जहाँ बहुत सारे मामलात हैं। तो यानी इन्होंने जो बातें बताई हैं वो हमारे माशरे का जो एक गंदा चेहरा सामने आ रहा है, ये एक बड़ी घिनौनी बात है। ये एक ऐसा चेहरा माशरे का नंगा हो रहा है कि जो कि हम लोगों को शायद मुंह दिखाने के भी काबिल न रहें, ऐसी ऐसी बातें। पहली बात मैं यहां से शुरू करता हूं कि सादिया पंप पे जॉब करती हैं, ये कहती हैं कि मैं 4 दीवारी के अंदर जॉब नहीं करना चाहती, बहुत सारे मैं जगह पे गई हूं, वहां बहुत सारे गलत हरकत गलत काम होते हैं। बहरहाल इन्होंने पंप के ऊपर जॉब की, 1-1.5 माह जॉब की, जब इन्होंने कहा कि मुझे, मेरी माँ बीमार है, मेरा वालिद फौत हो चुका है, मेरी माँ का और सहारा नहीं है, भाई मेरे सेपरेट हैं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं माँ के साथ हूँ, FA इनकी तालीम है, तो मुझे सपोर्ट किया जाए, मुझे एडवांस दिया जाए। तो उन्होंने कहा जी हमारा रूल नहीं है, हम 2 माह से कबल एडवांस नहीं देते। तो इन्होंने अपनी माँ के साथ मशवरा करके वो जॉब छोड़ दी पंप वाली। बहरहाल वहाँ से ये सोशल मीडिया के ऊपर आ गई और ज़ाहिर है कि एक शख्स के साथ जो कि मज़लूम हो, लोगों को हमदर्दियाँ होती हैं, हमें भी है, लोगों को भी है, दूसरे यूट्यूबर्स को भी थी। तो इन्होंने ये कहा कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मैं भीख नहीं मांगना चाहती, मैं किसी से हेल्प नहीं लेना चाहती, बहरहाल मुझे किसी के पास अच्छी नौकरी हो जो कि बेशक मर्दों के साथ मुझे काम करना पड़े, लोगों के सामने रहकर मैं काम करना चाहती हूँ, मैं अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगाना चाहती, तो मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी जो इन्होंने एक वाकया इनके साथ रफ़ी ब्रांड वालों के पास, वो कहती हैं कि मैं गई हूँ वहाँ इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ उन्होंने कहा जी 20 से 25 हज़ार आपकी सैलरी होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो के लड़कियां बर्दाश्त नहीं करती। तो वहाँ कहती कि मुझे ये महसूस हुआ कि ये इज़्ज़त वाली जगह नहीं है। बहरहाल ये हम इनका इल्ज़ाम समझेंगे फ़िलहाल, क्योंकि अभी रफ़ी ब्रांड का ना उनका एक मौक़िफ जो है वो सामने नहीं आया। तो बहरहाल ये बातें होती हैं ऐसी, हमने भी माशरे में काम किया है, मुख्तलिफ जॉब्स की हैं, फ़ीमेल्स के लिए हमारे मुल्क में मसाइल हैं। दूसरी चीज़, वाकया मैं आपको एक सुनाता हूँ कि मैं लाहौर में गया हूँ, तो मैं ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक रिक्शा था चिंगची वाला, मैं भी उसमें बैठ गया, थोड़ा सा सफ़र था मैंने करना,
मेरे साथ बैठे थे दो बुज़ुर्ग शहरी, एक बच्ची गुजरी है 15-16 साल की, मोटरसाइकिल चला रही है बच्चों, वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा जी ये देखें क़यामत की निशानी। तो मैंने कहा जी क्या हो गया, कहते ये देखें बच्ची मोटरसाइकिल चला रही है। तो मैंने कहा कोई हर्ज नहीं है, इसमें कौन सी क़यामत आ गई है, कौन सी क़यामत की निशानी है। तो हमारे जो बच्चे तो बच्चे हैं, नौजवान तो एक साइड पर रख लें, बूढ़े लोग भी, बड़े उम्र के लोग भी ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। मेरा ये ख्याल है कि जो उनका दौर था पुराना, उस वक़्त जो कोई एक आध जो कोई बेवा कोई ऐसी खातून गरीब होता था उसकी हेल्प की जाती थी, लोगों के मसाइल छोटे थे, लोगों के मसाइल कम थे, तो उसको लोग मिलजुल कर हल कर लेते थे। और दूसरी बात मसाइल की ये भी है कि लोगों के मसाइल आज की तरह के नहीं थे। उस वक़्त लोग सिर्फ खाना पीना और ज़्यादा थोड़ा बहुत कपड़ा पहनना इसको तरजीह देते थे। आज लोगों के मसाइल और किस्म के हैं, लोगों की बीमारियां और किस्म की हैं, लोगों के मसाइल बड़े हो गए। एक और मैं वाकया नाज़रीन, मुझे एक मेरे दोस्त गए ईरान में, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात हमें बताई कि वहाँ फीमेल्स शॉप्स बना रखी हैं, फीमेल्स ने जॉब कर काम करती हैं, कारोबार करती हैं अपने अपने, तो कपड़े की दुकानें हैं, किराने की या इस तरह कॉस्मेटिक्स, जन स्टोर दिगर, तो बड़ी अच्छे तरीके से वो जॉब करती हैं। कोई महसूस नहीं करता कि हमारी साथ वाली दुकान पे लड़की है, इधर लड़का है। हमारे तो इधर एक दौर था, आज से 15-20 साल पीछे चले जाएं तो लड़कियां पीसीओ के ऊपर जो वो ऑपरेटर होती थी वहाँ रश पड़ा होता था कि लड़की जी वो ऑपरेटर है, तो वो ऐसे ही लोग जाके बैठे रहते। ये मुआशरा हमारा ठीक है, आपके अंदर जो कुछ भी होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम जो आप लोगों से बाहर बिहेव करते हैं कम से कम उसमें तो कोई रख रखाव होना चाहिए। तो नाज़रीन मैं आपके सामने ये एक सादिया जो है एक बहादुर लड़की है जिसने ये अपनी ज़बान खोली है, ये एक बड़ा काम है, ये कुछ मामूली बात नहीं है। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी मजबूरियों में गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं और अपनी इज्जत अपना फ्यूचर दाव पर लगा देती हैं। हम सादिया को सलूट करते हैं, हम उसके साथ हैं, इंशाल्लाह उसको अच्छी जॉब भी मिलेगी। हम भी उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको स्क्रीन पर देंगे, जो भी शख्स उनको कोई अच्छी बाइज़त जॉब देना चाहे उनसे राब्ता कर सकता है। तो नाज़रीन ये मैं अपने मुआशरे से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली खुदारा कुछ ऐसी भी फीमेल, ऐसी भी लड़कियां होती हैं जिनके घर में मर्द काम के लिए नहीं होते, या उनका शौक़ होता है, या उनकी मजबूरी होती है, या उनके अपने एक मसाइल होते हैं, तो काइंडली ऐसे लोगों को मजबूर ना करें, ऐसे लोगों को थ्रेड ना करें, ऐसे लोगों की जुमले ना कसें, ऐसे लोगों की को जब आप देखते हैं तो इस अंदाज़ से देखें कि उनको आपकी तरफ से शफ़क़त मिले, ना कि वो आपकी नज़रों से थ्रेड हों। तो नाज़रीन ये हमारा मुआशरा है, ये पता नहीं कब संजीदा होगा, इसको बहुत ज़्यादा संजीदगी की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी हमारा मुआशरा संजीदगी के अतबार से मेरा ख्याल है कि जवान नहीं हुआ, हमारा मुआशरा संजीदगी के अतबार से अभी तक बचपन में है, तो इसको बड़ा होना पड़ेगा, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अब दौर बदल चुका है, लोगों के मसाइल बदल चुके हैं, लोगों के मामलात बदल चुके हैं। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन लाजमी, ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। अल्लाह।